हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीस्ट ऑफ द साउदर्न वाइल्ड मूवी के बारे में। फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम 6 साल की बच्ची हर्ष पप्पी को देखते हैं, जो अपने डैडी विंग के साथ रहती है। वो दोनों एक ट्राइबल कम्युनिटी कॉल्ड बाट टब में रहते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत में हर्ष पप्पी कहती है कि उसके पापा ने उसे बताया है कि एक जो लोग लिवी के उस पार रहते हैं वो बहुत ही बकवास जीते हैं। वो कैन में खाना खाते हैं, उनको हर वक्त स्टॉर्म के आने का डर लगा रहता है, और तो और वो अपनी जिंदगी भी ढंग से नहीं जी पाते। अगले सीन में बाट ट्यूब में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि चाइल्ड रेस, फायरवर्क्स एंड ऑल। इसके साथ हर्ष पप्पी कहती है बाट ट्यूब में हर दिन एक हॉलीडे जैसा है, जबकि लीवी के उस पार सिर्फ साल में एक ही बार हॉलीडेज होती हैं। इसके बाद सीन हर्ष पप्पी के स्कूल में शिफ्ट होता है, जिसमें उनकी टीचर उन्हें ऑरोक्स यानी जंगली बैल के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब ह्यूमंस केव में रहते थे तो ऑरोक्स जंगल के किंग थे। वो केव में रहने वाले लोगों को बच्चे खा जाते थे और वो कुछ भी नहीं कर पाते थे, इसका मतलब वो कमजोर थे। बाद में वो बताती है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सारे ग्लेशियर एंड आइस केव मेल्ट हो जाएंगे और सारी की सारी दुनिया पानी में डूब जाएगी। इसके बाद हम हर्ष पप्पी को सुनते हैं, जो कहती है कि चाहे कुछ भी हो, वो और उसके डैडी हमेशा यहीं रहेंगे। जब हर्ष पप्पी अपने घर वापिस आती है तो उसको उसके डैडी कहीं भी नहीं मिलते, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो कहती है कि अगर उसके पापा नहीं आएंगे तो एक दिन उसको अपने पेट्स को ही खाना पड़ेगा, एंड जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा बदतर हो जाती है। वो हर वक्त अपने पापा के आने का इंतजार करती है। एक दिन वो अपने घर में अपनी मम्मी की टी शर्ट को चेयर पे रख के खाना बना रही होती है, उसे उसकी मम्मी की आवाज आती है जो कहती है कि तुम बहुत समझदार बच्ची हो। ये सब इमेजिनेशन थी। नेक्स्ट मोमेंट उसको अपने पापा की आवाज आती है। वो भाग के अपने पापा के पास जाती है एंड वो देखती है उनके कपड़ों से ऐसा लगता है जैसे कि वो हॉस्पिटल से आए थे एंड बीमार थे। जब वो अपने पापा के पास जाती है तो वो उसे बहुत गुस्सा करते हैं और उसे उनसे दूर जाने को कहते हैं। इससे नाराज होकर हर्ष पप्पी अपने घर आ जाती है एंड गैस को और तेज कर देती है, बट सडनली इससे एक ब्लास्ट हो जाता है एंड घर में आग लग जाती है। इससे बचने के लिए वो एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में घुस जाती है। उसी वक्त उसके पापा उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं, लेकिन वो बॉक्स में ड्रॉ करते हुए कहती है कि अगर उसके पापा उसे मार डाले तो ये उसका रिकॉर्ड रहेगा, जिससे आने वाले टाइम में लोग जान सके कि एक हर्ष पप्पी नाम की लड़की भी थी। इसके साथ ही वो बॉक्स से निकल के भागने लगती है एंड उसके पापा उसका पीछा करते हैं। जंगल में पहुंच के उसके पापा उसे कहते हैं कि वो उन्हें मार रही है, जिस पे हर्ष पप्पी कहती है हाँ अच्छा ही हो वो मर जाए, फिर वो सारा केक खुद खाया करेगी। इसके साथ ही वो अपने पापा के सीने में पंच करती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ आइस कैप्स टूटने लगी है, जिससे हर्ष पप्पी भाग जाती है। वो ये सब बात जाकर अपनी टीचर को बताती है। वो टीचर झट से उसके लिए मेडिसिन बनाकर देती है, लेकिन जब हर्ष पप्पी मेडिसिन लेकर पहुंचती है तो उसके पापा वहां नहीं होते, जिससे उसको लगता है कि शायद अब वो कोई बग या ट्री बन चुके हों, किसे पता। अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि आइस कैप्स एंड ग्लेशियर टूटने लगे हैं, जिससे वहां फ्लड आने वाला है। इसके साथ ही आइस मेल्ट होने की वजह से ऑरोक्स भी रिलीज होने वाले हैं। तभी बाट ट्यूब में स्टॉर्म का ऐलान हो जाता है। लोग अपने घर छोड़ के जाने वाले होते हैं, लेकिन विंग जो कि जिंदा था सबको पूछता है क्या वो रुकने वाले हैं, जिसपे सब मना करते हैं। नेक्स्ट सीन में हर्ष पप्पी और विंग अपने घर आ जाते हैं। विंग हर्ष पप्पी को एक बॉक्स में बिठा कर कहता है कि अगर फ्लड आएगा तो वो बॉक्स पानी में फ्लोट करेगा, जिससे वो बच जाएगी। लेकिन हर्ष पप्पी बहुत डरी होती है, जिससे विंग नाराज हो जाता है एंड कहता है कि स्टॉर्म उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वो डरे ना, बाहर जाके वो गन से आसमान में शूट करने लग जाता है। स्टॉर्म बहुत तेज होने की वजह से सारी बाट ट्यूब में तबाही हो गई थी और सब लोग वहां से चले गए थे। उस तरफ ऑरोक्स भी रिलीज हो गए थे। इसके बाद हर्ष पप्पी एंड विंग एक कार सी बनाई हुई बोट से बाट ट्यूब में घूमते हैं। विंग हर्ष पप्पी को उस वक्त फिश पकड़ना सिखाता है। इसके बाद वो चेक करता है कि बाट ट्यूब में है या नहीं। पहले तो उन्हें कोई नहीं मिलता, लेकिन बाद में उन्हें एक घर में वॉलरस, उसकी बीवी और कुछ और लोग भी मिलते हैं, जिन्हें देख वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हर्ष पप्पी को उसकी टीचर बैथसीब और उसके कुछ बच्चे मिलते हैं, जिन्हें वो वॉलरस के घर ले जाती है। इसके बाद वो सब मिलकर रहने लग जाते हैं और उसी के ऊपर ही कैंप सेट करने की तैयारी करते हैं। शाम को जब सब पार्टी कर रहे होते हैं तो विंग हर्ष पप्पी को उसके जन्म की कहानी सुनाना चाहता है। वो उसे बताता है वो और हर्ष पप्पी की माँ अक्सर साथ में बैठकर बियर पीते थे और वो बहुत शाही थे। एक दिन जब उसकी आंख लग गई तो उसकी माँ ने एक क्रोकोडाइल से उसकी जान बचाई, जिस पर हर्ष पप्पी कहती है उसके पापा अक्सर उसे बताते हैं कि उसकी माँ बहुत खूबसूरत थी। बाद में वो उसे बताते हैं कि ऐसे ही उन्होंने शादी कर ली। अगले दिन सब लोग मिलकर क्रैब खा रहे होते हैं।
उस वक्त जब वॉलरस हर्ष पप्पी को कैट के क्रैब खाना सिखाता है तो विंग हर्ष पप्पी को कहता है वो उसे तोड़ के खाए, जिस पे हर्ष पप्पी वैसे ही करती है और वो रोर करने लगती है। ये भी बहुत क्यूट सीन था। 2 हफ्ते बाद बाथ टब में फ्लड की वजह से सब चीजें तहस महस होने लगी थी और ट्रीज और जानवर भी मर रहे थे। इसके बाद विंग और उसके साथी प्लान करते हैं कि लीव को बम से उड़ा देंगे जिसके बाद पानी दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन इस प्लान का पता बैसीवे को पता चल जाता है। जब वो उन्हें रोकने जाती है तो हर्ष पप्पी भी उनकी बोट पे चुपके से उनके पास पहुंच जाती है। विंक ने बॉम्ब एक क्रोकोडाइल के कंकाल में से हट किया होता है, लेकिन उसकी ट्रिक प्लान उसे साथी के हाथ से छूट जाती है जो हर्ष पप्पी के हाथ में पहुंच जाती है। हर्ष पप्पी उस ट्रिप लाइन को खींच देता है जिससे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है एंड लीवी टूट जाती है। इसके साथ ही बाथ टब से पानी उतर जाता है और फिर से ड्राई हो जाता है। एक सीन में हर्ष पप्पी विंग की चेस्ट पर निशान देख लेती है जो कि उसकी बीमारी का था। उसको लगता है कि शायद ये उसी की गलती है जब उसने उन्हें पंच किया था। वो भागकर वो मेडिसिन ले आती है जो उसे बैथसीवा ने दी थी और विंग के मुंह में डाल देती है। इससे उसकी सांस रुक जाती है और वो बहुत गुस्सा करता है। ये देखकर हर्ष पप्पी चीजें उठाकर फेंकने लगती है एंड कहती है कि वो सब जानती है, जिससे विंग भी चीजें फेंकने लगता है लेकिन वो बहुत थक जाता है। इसके बाद हर्ष पप्पी रोने लगती है जिससे विंग कहता है कि वो रोए ना। हर्ष पप्पी कहती है अगर विंग मर जाएगा तो वो भी साथ ही मर जाएगी और उसको भी कभी कभी लगता है कि उसको भी वही बीमारी है, जिसमें विंग कहता है कि वो बीमार नहीं है, वो बहुत लंबा जिएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑरक्स रिलीज हो गए और वो बहुत बड़े वाइल्ड बोर थे यानी कि जंगली सुअर। अगले सीन में हम देखते हैं कि इवैक्यूएशन ऑर्डर रिलीज हो गए हैं और किसी को भी वहां रहने की इजाजत नहीं है, लेकिन हर्ष पप्पी और दूसरे बाथटब के लोग वहां से नहीं गए थे। पुलिस उन्हें ढूंढकर इवैक्यूएशन शेल्टर में ले जाती है जिसे हर्ष पप्पी और विंग बहुत अपोज करते हैं। वहां जाकर विंग डॉक्टर विंग को कहता है कि उसके प्रोसीजर में बहुत रिस्क है और उसकी जान कभी भी जा सकती है, जिसे हर्ष पप्पी सुन लेती है। डॉक्टर्स विंग को अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं लेकिन विंग और हर्ष पप्पी उन्हें लेकर एप्रिहेंसिव थे। बाद में वो सब मिलकर वहां से भाग जाते हैं और बाथ टब में पहुंच जाते हैं। हर्ष पप्पी को ओशन में एक ट्रक बोट दिखाई देती है जहां पहुंचने के लिए वो और उसकी फ्रेंड समुद्र में तैरने लगती है। ट्रक बोट में पहुंचने के बाद हर्ष पप्पी बोटमैन को कहती है कि वो उसे उसकी मॉम के पास ले जाए। बोटमैन कहता है कि वो उसे जहां भी ले जाएगा अच्छा ही होगा। इसके बाद वो एक जगह पहुंचते हैं जहां पे और भी लोग थे। वहां हर्ष पप्पी को एक औरत मिलती है जो उसे उसकी माँ जैसी लगती है। वो कहती है कि लाइफ बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी उन्हें हमेशा स्माइल करना चाहिए। इसके बाद हर्ष पप्पी खाना लेकर अपने घर वापिस आ जाती है। वहां उनके बीचों ऑरक्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर उसकी सारी फ्रेंड्स भाग जाती हैं लेकिन हर्ष पप्पी नहीं डरती। इसकी वजह से ऑरक्स उसके सामने घुटने टेक देते हैं। हर्ष पप्पी उन्हें कहती है कि वो उनकी फ्रेंड है लेकिन वो उनका ख्याल नहीं रखेगी। ये सुन के वो चले जाते हैं। ये सब विंग देख रहा होता है और वो बहुत प्राउड फील करता है। नेक्स्ट सीन में हर्ष पप्पी विंग को खाना खिलाती है और वो दोनों रोने लगते हैं। जब हर्ष पप्पी विंग के गले लगती है तो उसकी मौत हो जाती है। हर्ष पप्पी विंग को अपने हाथों से आग लगाती है और वो कहती है कि वो इस दुनिया का बहुत छोटा सा हिस्सा है। जब फ्यूचर में लोग रिसर्च करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये हर्ष पप्पी नाम की भी एक लड़की थी। इसके साथ ही वो लोग वहां से चले जाते हैं और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल पर न्यू होते तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।